हेलो दोस्तों, आज हम जानने लगे बीसीए वर्सेस बीसीएस के सिलेबस के बारे में। मतलब सिलेबस कैसा रहता है बीसीए या बीसीएस का, तो यही आज हम जानने वाले। अगर आप इन दोनों में से एक करना है कि सोच रहे हो तो आपको सिलेबस का पता होना जरूरी है, तो इसी आज बारे में जानने वाले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए देखते हैं। तो बीसीएस का सिलेबस जो होता है वो ज़्यादातर थियोरेटिकल होता है। मतलब बीसीएस में आपको जो थियरी नॉलेज हो वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल थोड़े से कम होंगे और थियोरेटिकल जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब डीप में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बीसीएस में। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बीएससी कंप्यूटर साइंस दोनों एक ही होते, तो ज़्यादातर थियोरेटिकल होता है। और जो बीसीएस होता है बीसीए होता है सॉरी बीसीए तो बीसीए का सिलेबस जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, मतलब प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी। लगभग आपको 40% जो सब्जेक्ट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। मतलब आपको डेटा कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल होंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी उसके प्रैक्टिकल्स होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल होंगे। तो जो प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो अगर किसी को प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बीसीए कर सकता है, क्योंकि बीसीए का सिलेबस जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है और बीसीएस का जो होता है तो वो ज़्यादा थियोरेटिकल होता है।